9 रबीउल अव्वल ही को हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ताल्लुक से मैं एक बात नाज़रीन आपको और बताऊं कि आपकी जब पैदाइश हुई तो इससे 2 महीना पहले आपके वालिद अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से रुखसत हो चले थे, यानी आपकी पैदाइश यतीमी की हालत में हुई। वाकया यूं है कि जब बीबी आमिना हमल से थी और अभी पैदाइश को 2 महीने बाकी थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा अब्दुल्ला शाम के एक तजारती सफ़र पर गए, जिसको सीरिया कहा जाता है। तजारत और कारोबार से वापस होते हुए मक्का लौटते हुए रास्ते में आप बीमार हो गए और आप जब यसरिब के मकाम पर पहुँचे तो बीमारी ज़्यादा बढ़ गई, वही यसरिब जिसको आज मदीना मनव्वरा कहा जाता है। चुनाचे आप वहाँ ठहरे, यसरिब में आपने क़याम किया और आपका इलाज वहीं होता रहा, लेकिन बस अल्लाह को मंजूर था, कज़ा आ पहुँची थी। आप दाई अजल को लब्बैक कह गए, यसरिब ही में यानी मदीना मनव्वरा जो आज है उसी मकाम पर आपके वालिद अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया और वहीं नाबिगा अल जादी के मकान में आपको दफन कर दिया गया।